हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मोरा और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट फ्लॉग और यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं लगभग 3 किलोमीटर पैदल मैं चलकर आ रहा हूँ और मैं आज नदिया के पार फिल्म शूटिंग लोकेशन लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि बनारस से आ रहा हूँ, साथ में अनुज क्रॉप्स भाई। भाई थके कि नहीं? अरे बहुत ज़्यादा यार। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा है क्योंकि 40 साल बाद फिर आप लोगों के कमेंट को देखते हुए मैं फिर नया वीडियो लेके आया हूँ। और चंदन और गुंजा जब कौन दिशा से लेकर चला रहा बटुया गाना होता है, जिस कुएं पर वो पानी पिलाते हैं उस कुएं पे आज जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं 40 साल बाद वो कुआं है, अस्तित्व है या उसका अस्तित्व ही मिट गया, तो वो आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नदिया के पार जो गांव है विजयपुर, वहाँ मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हाँ तीसरी बार यार आया हूँ इस गांव में। तो आप समझ सकते हो कि यार आप लोग इतना कमेंट करते हो, तो मैं फिर से तीसरी बार आ चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं, कुछ लोकेशन छूट गई थी वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। पहुँचते हैं उस लोकेशन पर फिर दिखाते हैं। और दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं जिन्होंने एक कुएँ का वीडियो गलत बना रखा है, लेकिन मैं बिल्कुल ओरिजिनल दिखाऊंगा कुआं, वही वाला जो रियल है। स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा, वो मैच भी करा लीजिएगा। मैं उसी मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की देखी हैं कि वीडियो को थोड़ा मतलब गलत बता दिया, कुआं दूसरा दिखा दिया और कुआं भी उसी तरीके से थोड़ा बहुत है। अभी दिखाता हूँ, अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नदिया पार वाला कुआँ कहाँ पे? वहाँ है ना, वहाँ पर चलिए पहुंचते हैं नदी के पार। आइए आइए दोस्तों, अभी दादाजी यहाँ पे आ रहे हैं। पूछते हैं जरा दादाजी से कुछ यहाँ पे जरूरी इम्पोर्टेंट बात। दादाजी, ये वो नदी के पार वाला कुआं है ना ये? हाँ। जहाँ पे चंदन जो है गुंजा जी को पानी पिलाते हैं? हाँ, यहीं से काढ़ के पिलाए थे। अच्छा, यहीं पे पिलाए हुए थे। मतलब पहले यहाँ पे ज्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं था, ये सब यहाँ पे सब खेत मतलब चना उना मटर वोटर बोया था। अच्छा अंकल जी, आप कितने बड़े थे? अरे हम इतना बड़ा था इससे थोड़ा। अच्छा, छोटू कत्ते? अच्छा, हम तो कम में 25-25 साल के लगभग में कहा। 25 साल? अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो तुम? नहीं, हम तो नहीं पढ़ाई करते। अच्छा, पढ़ाई नहीं किए थे? अच्छा, ये आप ही क्या मतलब खेत में ये कुआं? हाँ, ये सब हम ही लोग का। अच्छा, और दीनानाथ भैया यहीं पे तो रहते हैं, लक्की ठाकुर ना? एक बार हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो देख सकते हो यहाँ आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पे पेड़ आप देख रहे हो, पहले काफ़ी ज़्यादा थे, अब यहाँ पे कम हो चुके हैं। और कुएं की बात करें, कुआं अब भी उसी तरीके से है। तो आप देख सकते हो ये है वो कुआं, अभी चारों तरफ से आपको दिखाते हैं कैसा है कुआं, काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये छोटू हमको लेके आए हैं यहाँ पे। छोटू, आपका नाम? सचिन। सचिन, फुल नाम? सचिन मटकर। सचिन मटकर। मटकर, तो देख सकते हो। हाँ भैया, मटकर का फुलवारी है। अच्छा 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 अच्छा, ये आप ही का बगीचा है? बहुत बढ़िया है, बना रखा है, छायादार, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो देख सकते हो ये कुआं जो कि अभी बंद है पूरा A to Z। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कांटे रख दिए गए हैं ताकि कोई मतलब जैसे जानवर आजकल खुला यहाँ पे, जैसे गाय भैंस, जानते हो इस सरकार में कितने गाय भैंस घूम रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है ताकि कोई जानवर भी ना गिरे और ना ही कोई इंसान। तो ये देखिए कुआं, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसको गलत रॉन्ग बताया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये उसी तरीके से ये पिलर सभी भी मौजूद हैं और ये कुआं देख सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो ये वही कुआं है, और काफ़ी यूट्यूबर्स आए हैं जो रॉन्ग कुएं को दिखा दिया है, अब क्या बताएं उनको। तो आप मैच करा सकते हो, ये जो पिलर्स हैं ये मैच करा सकते हो। और यहाँ पे छोटू खड़े हुए हैं, ये एक हवदिया टाइप में है, जैसे पानी वहाँ से निकल के आता था इधर, तो ये आप मैच करा सकते हो। ये वाला सीन जो है, ये वाला, ये आप मैच करा सकते हो स्क्रीन शॉट में, वो अब भी दिख रहा है। तो ये देखिए, और इधर आप देख सकते हो ये छोटू का बाग, देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे, मतलब छायादार बिल्कुल।
यहाँ पे सब फूल है। हाँ, बांस का भी पेड़ है, बांस, कटहल, नीम, आम का, पपीता। अच्छा, सो गाइस देख सकते हो काफी खूबसूरत ये सुंदर वन बोल सकते हैं इसको। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ फुल आप व्यू देख सकते हो यहाँ से कुएं का। रॉन्ग नहीं है यार, स्क्रीनशॉट लगा रखा है, मैच करा लीजिए, यही करंट लोकेशन है। और मैं आपको बता देता हूँ ये लोकेशन एड्रेस, ये जो देवकली और बिलाव के बीच में रोड है उसी रोड पे, देवकली से लगभग डेढ़ किलोमीटर बीच में। इसको कौन सी जगह बोलते हैं? लट्ठेपुर बोलते हैं। इस जगह पर ये पड़ी हुई है कुआं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फूल की खेती कर रहे हैं, फूल भी निकलने लगे हैं उधर, आप देख सकते हो। एक वो हमारे साथ में, वो उसको भी चीचो, फूल भी देखा। ये देखिए यहाँ पर भी फूल निकल आया हुआ है, साइड में भी सब फूल है, सब फूल ही फूल तो है यहाँ पे। यहाँ पपीता का पेड़ है। हाँ, पपीता का भी पेड़ है। तो आप देख सकते हो ये कुएं के आस पास का जो इन्वायरमेंट है तो काफी अच्छा है। सो देख सकते हो छोटू हमको यहाँ पे लेके आए हुए है। ये देखिए दादाजी, ये पहले था नहीं, ये भट्ठा पहले यहाँ पे जब फिल्म शूट हुई थी। अच्छा, पहले दूसरा ला था। अच्छा, सो गाइस आसपास का एरिया भी आप देख सकते हो, काफी सुंदर व्यू। हाँ, सो गाइस आप लोगों ने देखा ये बार जो दादाजी थे और ये छोटू भाई हमारे साथ ही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया यहाँ पे बताया। और मैंने हर वीडियो में बता रखा कि उत्तर प्रदेश का ये जो गांव है इधर जौनपुर साइड में विजयपुर, इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ भी पूछना हो सब बता देते हैं, साथ में लेके भी जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि 40 साल हो गए छोटू इस कुएँ को। जी हाँ। और कैसा लगा ये वीडियो? इधर आसपास का देखिए, इधर ईंटें पाथे जाते हैं, यहाँ पे ये भट्ठा यहाँ पे है, ये देखो एक और छोटू यहाँ पे घूम रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। छोटू कुछ बोलना चाहोगे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए? हमारे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मतलब छोटू के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।